शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए संजय सिंह अचानक जेल में ऐसे कैसे गिड़गिड़ाने लगे। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने जेल से एक चिट्ठी लिखी है जिसमें केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। इस चिट्ठी में लिखा कि उन्हें गलत तरीके से शराब घोटाला मामले में फंसाया गया है। उन्होंने अडानी और मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और इसलिए उन्हें इस मामले में फंसाया गया। संजय सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा, आकाश से लेकर पाताल तक मोदी जी ने सब कुछ अपने दोस्त अडानी को दे दिया। मैंने इस मामले को संसद में उठाया, मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस विरोध के चलते मोदी सरकार ने मुझे जेल में डालने की तैयारी कर ली थी। संजय सिंह ने लिखा, पहले भी ईडी ने मुझे झूठा फंसाने के लिए मेरा नाम चार्जशीट में डाला था। मैंने लीगल नोटिस भेजा तो ईडी ने माफी मांगी। बाद में मुझे फंसाने के लिए बेबुनियाद मामला तैयार किया गया। दिनेश अरोड़ा जो एफआईआर में आरोपी है उसे गिरफ्तार कर सरकारी गवाह बनाया। मेरे खिलाफ झूठा बेबुनियाद निराधार आरोपों का बयान लिया गया। इस चिट्ठी में संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी के घटनाक्रम का भी जिक्र किया। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि 4 अक्टूबर को ईडी अचानक मेरे घर पर आती है, 14 घंटे तक छापेमारी चलती है लेकिन उन्हें कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, अचानक मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है। संजय सिंह ने अंत में लिखा कि तानाशाह सत्ता के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस बीच 10 नवंबर को उन्हें दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत की अवधि शुक्रवार को 14 नवंबर तक बढ़ा दी। इस दौरान अदालत कक्ष में लाए जाने के दौरान संजय सिंह ने भाजपा का नाम लिए बिना आरोप लगाया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने से भी बदतर कुछ करने की योजना बनाई है। उन्होंने अदालत कक्ष के बाहर मीडिया कर्मियों से कहा, केजरीवाल को फंसाने की एक बड़ी साजिश है, सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, वे केजरीवाल के साथ कुछ ऐसा बुरा करने जा रहे हैं, वे कुछ और बड़ा अंजाम देंगे। वहीं इससे पहले संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को नियम विरुद्ध बताया है, इसे लेकर वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। संजय सिंह दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जिसमें दिल्ली शराब नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी कि आरोपियों के अधिकारों और राज्य के हित को बैलेंस करना उनकी जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट ने कहा था कि अदालत सभी मामलों को कानून के चश्मे से देखती है और राजनीतिक संबद्धता या पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होती है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ईडी जादूगर की तरह काम नहीं कर सकता, सच्चाई तक पहुंचने में समय लगेगा। अदालत ईडी पर राजनीतिक मंशा का आरोप नहीं लगाएगी। अदालत राजनीतिक कनेक्शन से प्रभावित नहीं होती है। क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत।